स्वागत है दोस्तों आपका टेक्निकल जांगिड के चैनल पे। मैं पंकज जांगिड आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें मैं आपको एथिकल हैकिंग और अर्न मनी के बारे में बता रहा हूँ। एथिकल हैकिंग में अपने लास्ट चैप्टर में अपने फुट प्रिंटिंग के बारे में देखा था, जिसमें लास्ट अपने वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन देखना और किस तरह अपने वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी को अपन देख सकते हैं, उस चीज़ को फॉलो किया था। दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है वो स्कैनिंग है। दोस्तों स्कैनिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी इस पर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, जो न्यू यूज़र हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो एथिकल हैकिंग का लर्निंग का चैप्टर है वो आप पूरा देख सकें। आपको जब भी कभी मेरे चैप्टर को मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको इन्फॉर्म हो जाए, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो और यूजर है मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्कैनिंग का मतलब यह है कि जिस टाइम हम किसी भी टारगेट सिस्टम को अटैक कर रहे हैं, उस टाइम वह सिस्टम लाइव है या नहीं है उसको देखने के लिए हम स्कैनिंग का यूज़ लेते हैं। स्कैनिंग का मेन यूज यही है कि टारगेट सिस्टम लाइव है या नहीं है। स्कैनिंग की डेफिनेशन देखी जाए तो दोस्तों स्कैनिंग इज इम्पोर्टेंट टू बोथ अटैकर एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी होस्ट एंड नेटवर्क। ये दोनों के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि दोस्तों जब तक सिस्टम लाइव नहीं है ये नहीं पता लग सकता, तो हम आगे सिस्टम के इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों स्कैनिंग के तीन टाइप होते हैं नॉर्मली। एक हो दोस्तों पोर्ट स्कैनिंग होती है, नेटवर्क स्कैनिंग होती है, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होती है। दोस्तों ये डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं इसके अंदर, इस सीरीज ऑफ मैसेज सेंट बाय समवन अटेम्प्ट्स टू ब्रेक इनटू कंप्यूटर टू लर्न अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योर सर्विस। दोस्तों इसमें पोर्ट स्कैनिंग है, हम उसके पोर्ट्स को देखते हैं कि ये इसका जो सर्वर अटैकर है उसके ओपन पोर्ट कौन कौन से हैं उसको देखा जाता है। जब भी कोई मीडिया डिवाइस सिस्टम से दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड होती है तो उसमें वो पोर्ट कहलाती है। अतः अब तक दोस्तों 65,536 पोर्ट अवेलेबल है, जिसमें से 1,024 यूज किए जाते हैं। 0 से 1023 तक ईमेल जैसे HTTP वगैरह में यूज किया जाता है। नेटवर्क स्कैनिंग IP एड्रेस ऐसी एप्लीकेशन जो दोस्तों नेटवर्क स्कैनिंग में हम कंप्यूटर के नेटवर्क से कनेक्टेड देखते हैं कि इसमें कंप्यूटर लाइव है या नहीं है, उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटी है। और वल्नरेबिलिटी में दोस्तों ओपन पोर्ट में जो सॉफ्टवेयर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आते हैं वो कौन कौन से ओपन है, यानी शेयरिंग पे है, तो उस चीज़ का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले स्कैनिंग में क्या करते हैं, सिस्टम को देखा जाता है, चेक किया जाता है कि सिस्टम लाइव है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों उसमें ओपन पोर्ट देखा जाता है कि उसमें ओपन पोर्ट कौन कौन से हैं। उसके बाद दोस्तों सर्विस को आइडेंटिफाई किया जाता है, और फिर OS फिंगरप्रिंट OS में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें यूज हो रहा है उसका पता लगाया जाता है। फिर उसके वल्नरेबिलिटी को स्कैन किया जाता है दोस्तों, जो वल्नरेबिलिटी का डिजाइन किया जाता है कौन कौन से इसमें वल्नरेबिलिटी रह रही है उसको डिजाइन किया जाता है, और उसके बाद अटैक किया जाता है। दोस्तों जब अगर आप अपने खुद के ओपन पोर्ट देखना चाहते हैं कि आपके ओपन पोर्ट कौन कौन से ओपन है, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आप माई कंप्यूटर में जाइए, सी ड्राइव में जाइए, और उसके बाद दोस्तों विंडो पे क्लिक कीजिए। विंडो के बाद दोस्तों System32 आपको इसमें मिल जाएगा, उसको ओपन कीजिए। तो ये रहा दोस्तों, इसके अंदर एक ड्राइवर्स नाम से है उसको देखिए। इसके बाद ATC दोस्तों, ये सारे अपने ओपन वर्ड्स हैं, इनको आप नोटपैड की फाइल में ओपन कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर कौन कौन से ओपन पोर्ट है वो सारे बता रहा है, सारे जो भी लोकल होस्ट है, जो भी है प्लेटफॉर्म, उन सबको आप देख सकते हैं। ये देखिए जैसे
कंप्यूटर का ब्रांड इस पे आ जाएगा, इसमें जो भी है ओपन बोर्ड्स वगैरह लंदन वगैरह कुछ अपने खुद की सिक्योर चीज़ इसमें सेव हो जाती है दोस्तों कुछ। तो ये सारे अपने ओपन बोर्ड होते हैं, तो इन चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रैक्टिकल सेक्शन देखेंगे जिसमें हम सिस्टम को कैसे लाइव है वो चेक कर सकते हैं, और किसी भी नेटवर्क की रेंज है किसी कंपनी में 100 कंप्यूटर रेंज को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, कौन सा कंप्यूटर ऑन है कौन सा ऑफ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सिस्टम को इन्फॉर्मेशन हम कैसे देख सकते हैं कि उसमें ओपन बोर्ड है या नहीं है, और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम इन्यूमरेशन को देखेंगे दोस्तों, हम सिस्टम से डायरेक्ट अपना कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप न्यू यूजर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो को टाइम टू टाइम मिलते रहे, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।